2, 3, smile! Look here. लॉन्च करना है पोस्टर भी लॉन्च करना है पोस्टर हो गया लॉन्च बाहर है पोस्टर लगा हां टाटा पीछे वो दूसरी फिल्म का है हां चलिए जो अभी आने वाली है सस्पेंस है बैठ जा अभी पोस्टर लॉन्च कर ही जा रहा है यार चलिए सर ये फोटो लिए छोटे मोहन का है मोहन 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 भाई मोहन भाग गया यार बाहर क्या हुआ बिना साइन का चेक देगा बेहतर होगा सर इधर लुक हियर सर लुक हियर लुक हियर मोहन ऊपर जा रहा है अभी अरे इसको ऊपर ले जाएगा हाँ मैं सर चेक पे साइन करना अभी मोहन कुछ बोलो फिल्म के बारे में कुछ बोलो ना कैसे हिट करोगे अरे मोहन कुछ तो बोल माइक कौन बोला माइक नहीं है अपनी आवाज यूज करो मोहन कुछ तो बोल म्यूजिक के बारे में पीछे तो सब कुछ लिखा हुआ है मैं देख के पढ़ सकता हूँ मोहन और मुझे याद भी है म्यूजिक एक्चुअली सुष्मिता सजना करके गाना है जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग गाया मेरे दो लव रोमांटिक सॉन्ग है जिन्होंने बहुत ही प्यार से गाया कि मतलब मुझे एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं थी गाने में फ्लो में चला जा रहा था मैं और सजना हो गया तो से जो नैना लगे इट्स अगेन ए रोमांटिक यू नो नंबर कुछ अलग सा नशा इट्स लाइक इन अ कॉलेज सॉन्ग जो कि कॉलेज में जो टीनेजर्स गाते हैं उसके बारे में और इसने जो म्यूजिक है राजेश घायल जी हैं राजेश घायल जी श्याम सोनी एंड राजेश घायल जी हैं और विनोद कुमार सर चायों ने इन लोगों ने मिलकर अच्छी म्यूजिक बनाई है जो कि नारायण जी नहीं है नारायण जी आया नहीं ना नहीं आया तो आई वुड से थैंक्स टू नारायण जी जिन्होंने इस म्यूजिक को जी के थ्रू लॉन्च किया तो आई एम रियली वी आर रियली हैप्पी अभी कहाँ आया रुको क्या बात है प्रेजेंस अगर नहीं है बट दे आर विद अस मिस्टर यशपाल शर्मा प्रगीत वी हैव हियर प्रगीत मिस्टर इश्तिया खान आप के रूबरू हो चुके हैं मिस्टर राजेंद्र गुप्ता मिस्टर रवि साहब रवि अनुपम शाह जी वी हैव वीरपाल वी हैव मिस्टर रवि गोसाई वी हैव मिस्टर ब्रजेंद्र काला एंड दैट लेडी इज मी थैंक यू सो मच मोसो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं सस्पेंस अभी खुला है एंड वी हैव सपन जो मैं पेड़ के पीछे छुपा और इनके पीछे मैं अरे विनोद भाई थोड़ा पोस्टर ऊपर करके दिखाइए रो तब वी हैव मिस्टर राजेंद्र सचदेवा आल्सो यू आर इन टू सी हिज लवली फेस लाइक ऋषि कपूर एज द स्क्रीन ओपन्स थोड़ा सा टेढ़ा हां But I must say that we are really missing the director of the film, Mr. Dipankar Prakash. And the most important person who did something miracle by his yeah, he is the one
who made us complete. DOP, director of photography, cinematographer, in ke haath mein wo jadoo hai ki muso win kar raha hai because of the beauty screen. Mr. Tapasvi Asija, he's the colorist. And Mr. Sagar Chora, where are you, Sagar Dada? He's the editor. I would like to call Mr. Dhananjay Joshi on stage, please. Mr. Dhananjay Joshi. From Muso, ये जहाँ भी मिलेगा, जिस थिएटर मिलेगा घुसो. ये हम लोग कम से कम 20-25 साल से, हालांकि खुद 25 साल के दिखते हैं. तो रोज शाम को घाटों पर हम थे, हमारा रोज शाम का वॉक 1.5 घंटे का रहता था और आज तक सिलसिला चालू है. तभी आप चल एक और नहीं आ रहे थे, तो कोने में पड़े. तभी आप मार्केट में चल रहे. हमारे कास्ट तो यहाँ है, लेकिन हमारी जो टेक्निकल टीम है उससे आपका रूबरू हमने कराया. लेकिन एक्टर्स को, कैरेक्टर्स को खूबसूरत लगने का लगाने दिखाने का हाथ हमारी मैडम स्मिता का है. शी इज अ बिग के लिए कि हमारे बच्चों ने, हमारी टीम ने, कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान जिम्मेदार नहीं था कि बस उसको वही काम दिया गया तो वो करे. इन लोगों ने ना दिन देखा है ना रात देखी है, ये बस डटे रहे और आज मूसो को जो अवार्ड्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज पीपल. अंकित, अंकित, इसका नाम मैंने फोन पे अंकित मूसो रखा हुआ है क्योंकि he is a wonderful guy and congratulations, ये आपकी second film है. जो डायरेक्टर की बात भी नहीं सुन रहे. डायरेक्टर ने बोल दिया कट, बोला नहीं थोड़ा सा बाकी है सर, ये झाड़ पे चढ़ जाता कैमरा लेके. कमल और ईश्वर शर्मा जी मुझे बोले कि बेस्ट है लेकिन हमारी किसकी सुनती नहीं है. जब तक ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब तक करते नहीं. बहुत बढ़िया सा काम किया हमारी. हमारा एसोसिएशन 10 साल का है. सो वी हैड डीओपी द एडिटर विद अस सिंस 10 इयर्स. सो वी हैव द अदर टीम. आई वांट यू टू से फ्यू लाइंस. So yeah, Muso is a beautiful film. Muso is a beautiful film. So please come and watch. That's more important for you. Is your Dipankar ke liye? Yeah, yeah. You must say director. Dipankar is like ki mera aur Dipankar jo coordination hai, wo kafi acha hai. So isliye hum kafi acche se kuch bhi kar pate hain. ये तो कॉलेज से ही मोस्टली मिलता है और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे कॉलेज जाते हैं और इस तरह से ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं. तो मुद्दा वहीं से उठता है. मुद्दा तो फैमिली में ही उठता है, मुद्दा समाज में ही उठता है.
वो पीछे डाल ला पेपर पीछे भाई यहाँ पे जगह ही नहीं है बस ओके मुद्दा ये कॉलेज से ही उठता है और हमारे समाज से ही उठता है। काफ़ी हमारे रिलेटिव्स भी हैं, काफ़ी दोस्त हैं जिनके बच्चे ड्रग्स के चक्कर में काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, भटक चुके हैं रास्ते से। वहीं से मुद्दा उठा और हमने डिसाइड किया कि अगर फिल्म बनानी है तो कुछ ना कुछ समाज को मैसेज दें, बस यही था। थैंक यू विशन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? काफ़ी सारे कलाकार हैं जो नामी हैं, किरण कुमार जी हैं, मुश्ताक खान जी हैं, कैसा काम का अनुभव था डायरेक्शन के दौरान, कैसा का अनुभव था? सबका काम काफ़ी अच्छा था, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद फिल्म बन के अच्छी है, मैं आपके साथ तैयार है और सर की मेहनत है, उनकी माँ की मेहनत, इतने दिन सब लोगों ने टीम ने मिल के काम किया फिल्म के लिए, काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, आप सब लोग देखें ये चाहते हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ा मौका था, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपना डेब्यू किया जिसको मैं आइडियलाइज करती हूँ और सारे सिंगर्स आइडियलाइज करते हैं, सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद शान सर एंड हैविंग सॉन्ग सच ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। और अबाउट द फिल्म, इट्स हार्ड वर्क, इट्स एवरीबडीज एफर्ट्स जो दिख रहा है स्क्रीन पे, एंड हम हर फिल्म से कुछ सीखते हैं, हम हर काम से कुछ सीखते हैं, हम पहली बार करते हैं काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, दूसरी बार करते हैं तो कम मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं एंड आई विश कि हम ऐसे ही यू नो वी ग्रो टुगेदर। सामने आया है, काफ़ी सामने आया है और भी सब्जेक्ट्स है मेरे पास इस तरह के, बट ड्रग्स को लेके जब हमने फिल्म बनाने के लिए सोची, मैंने और हम दोनों ने सोचा, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसी टॉपिक पे ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी कुछ चीज़ें गुजरी है, हमारे दोस्तों के साथ गुजरा है, हमारे समाज में रोज़ हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बनाया। नहीं देखिए, मेरे लिए लविंग कॉलेज जो पहला बच्चा होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, लविंग कॉलेज से बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने सीखा है, लविंग कॉलेज की टीम बड़ी खूबसूरत है, हमारे विशन बहुत, ये बहुत कम बात करते हैं बट बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मूसो एक ऑफबीट फिल्म है, मूसो एक अलग है, एक इंग्लिश नॉवल है उसके ऊपर बनी हुई फिल्म है और अच्छी बन गई और लोगों ने अवार्ड्स काफ़ी दिए, अभी भी 8-10 अवार्ड्स और मिलना है मुझे, इतना कॉन्फिडेंस है। हमने लॉस एंजलिस से मिला, लंदन से मिला, दिल्ली डायरोमो में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी मुझे सिलेक्शन हुआ है, तो बड़ी खूबसूरत फिल्म है, वो एक अलग फिल्म है, ये अलग, दोनों डिफरेंस फिल्म है। देखिए आपको अगर टीम अच्छी मिल गई तो बहुत ही आसान है, मुझे दोनों फिल्मों में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रोड्यूसर को तकलीफ तब होती है जब अननेसेसरली हर फील्ड में आप ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा मेरे, अगर हम अच्छे हैं तो सारा टीम अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा टीवी शो में भी अपने हाथ आजमाए, उसके अलावा और क्या करने वाले हैं? टीवी शो में मैंने सुधा चंद्रन जी को, दर्पण श्रीवास्तव जी को और काफ़ी आर्टिस्ट हैं उनको लेके मैंने एक बेटियों के ऊपर मैंने एक सीरियल बनाया है जो अभी तक सबमिट है, देखते हैं सेंक्शन होगा तो शुरू करेंगे। अच्छा है, और कोई स्टोरीलाइन है और कोई सब्जेक्ट इसका फिल्म बनाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट का? जी जी जी, एक 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 है वो, लेकिन मैं मूसो और लविंग कॉलेज के बाद सोचूंगा इसके बारे में, आप लोगों को बुलाऊंगा। एहसान कुरैशी को लेकर आना विनोद सर, अभी तो पहले मैं उनको सर समझता हूँ, फिर ये मेरे म्यूजिक, मैं इनसे म्यूजिक भी सीखता हूँ थोड़ा बहुत, तो अभी मैंने बड़ा भाई की तरह ही मानता हूँ, तो इज़ वेरी नाइस टू मी एक्चुअली विथ एवरी वन,
जो भी इनके करीब आता है ना बस इनका ही हो जाता है. तो और हाँ, आई विल ऑलवेज वेरी थैंकफुल फॉर हिम दैट ही इज गिवन मी द फर्स्ट चांस इन लव इन कॉलेज. तो आई एम डूइंग लीड, तो इट्स रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी एक्चुअली. सब कुछ मतलब है, रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन काफ़ी बेहतर एक्शन करने में देखिए किस तरह से एक्शन करने में आपको चुनौतियाँ. एक्शन करने में, हाँ एक्शन करने में ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं मिली क्योंकि एक्शन मास्टर सर ने बहुत ही बड़ा एक्शन मास्टर से मंगाया था नेपाल से. और यू नो एब्रॉड में भी जाते रहते तो एक्शन करते रहते हैं, तो उन्होंने पूरी का पूरा केबल था एक्चुअली, इट्स ऑल केबल स्टंट एंड ऑल. तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक दो घंटे में मैंने लर्न करके सीख लिया. तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क. और जो फिल्म का मुद्दा जो है ड्रग्स जी इस बारे में बोलूँगा कि सर को मैं बहुत ही थैंक्स बोलूँगा क्योंकि आजकल क्या होता है ना, लोग ये बोलते हैं फिल्मों में जो ज़्यादा चलता है वही चला दो, वो दिखा दो, ऐसे सीन दिखा दो वैसे. सर स्ट्रिक्टली बोला था कि ये फिल्म फैमिली के लिए होनी चाहिए और दूसरा था कि इसमें कुछ मैसेज होना चाहिए, जो मैसेज जिससे बच्चे यू नो बच्चों को मिले. और मैंने जैसे आपको अंदर भी बोला कि कल ही मैंने देखा कि एक फ्रेंड मेरा यू नो सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ दिस, ही वाज इन अ वेरी हाई ऑन यू नो ड्रग्स स्टेज एक्चुअली. तो मुझे लगता है कि अगर वो पहले वो फिल्म ये देख लेता या फिर देख लेता तो शायद वो बच जाता, मुझे ऐसा लगता है. इट्स वेरी गुड यू नो इन्फॉर्मेशन इन दिस फिल्म दैट यू नो द न्यू कमर शुड नॉट टेक एनी टाइप ऑफ ड्रग्स एंड एनी यू नो एनी थिंग विच इज यू नो मेक्स मी मेक्स देम हाई एक्चुअली. सो दैट इज द मैसेज इन दिस फिल्म. मैंने मैंने प्रोजेक्ट किया था विथ स्पेशली ग्राउंड एंटरटेनमेंट सुर से शायद तक पलक मुछल के साथ, बट पलक मुछल वॉज माई मेंटर थे और वो रिलीज भी हो गया, ऑन एयर आया है ऑन 9XM एंड यू कैन स्टिल फाइंड इट, फाइंड द होल वीडियो ऑन यूट्यूब. तो वो चल रहा है एंड देर सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स विथ द न्यूली OTT प्लेटफॉर्म से गेमिक्स प्लेयर. तो उसमें भी यू नो आई एम देयर एज अ सिंगर, सो इट विल बी रिलीजिंग सून. क्योंकि संगीत ये मैं कहूँगा कि उन बच्चों को देखा जितने अच्छे तरीके से इन्होंने किया था कहानी जैसा प्रज, तो इनके चेहरे मास्टर में चेहरे पर देख करके म्यूजिक तो वैसा ही जो दिल खुश हो. आज की जनरेशन को क्या चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी था. तो उसके हिसाब से मैंने कहानी के हिसाब से लिरिक्स को लिखे, फिर उसे कंपोज किया, फिर मैंने देखा कि इसमें मैंने ज़िद किया. इस फिल्म की सबसे बड़ी ट्रेडी है कि मैंने प्रोड्यूसर से ज़िद किया जो मेरे दोस्त हैं कि ये गाना शान साहब से ही करना है, क्योंकि बोले नए होते तो इन बच्चों का भी कैरियर थोड़ा और अच्छा हो जाएगा. और क्योंकि म्यूज़िक जो कहती है बनने के बाद पता चलता है कि उसकी क्वालिटी के, तो उसके हिसाब से मैंने शान जी से करवाया कि इन बच्चों का भी कैरियर अच्छा लगे. और वो उन्होंने बहुत दिल से गाया उसे और मुझे विश्वास है कि ये फिल्म इतनी अच्छी बन गई है, म्यूज़िक भी अच्छा बन गया, कहानी भी अच्छी है. इसके डायरेक्टर विशन भाई ने भी बहुत अच्छा किया, कोरियोग्राफर साहब ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफी किया जो मुझे अच्छा लगा. मुझे लगता है कि इसके ज़रिए लोगों को अच्छा लगे कि म्यूज़िक के ज़रिए लोग कम से कम दिल के गली म्यूज़िक सुनकर ही लोग थिएटर तक चले जाएंगे. और आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग सब मीडिया वाले भी सपोर्ट करिए, यही मेरी ख्वाहिश है. सर आपने क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आई थैंक्स टू विशन सर जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं और विनोद कुमार जी मूवीज़ के प्रोड्यूसर हैं और राजेश सर जो मेरे हाथ में बैठे हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और सपन जी जो लीड आर्टिस्ट कर रहे हैं और हमारी जो कोर टीम है जो बहुत अच्छी बढ़िया टीम है. बहुत कम टाइम में ऐसा काम होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल विनोद सर ने जो मुझे ब्रेक दिया, क्योंकि आज की डेट में टैलेंट सबके पास है लेकिन ब्रेक नहीं मिलता है. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेरी वेरी थैंक्स टू विशन सर जो इतना बड़ा ब्रेक मुझे दिया, जो आपके मीडिया के थ्रू शायद से हो सके आज नहीं तो कल मैं किसी और मुकाम पे पहुंच जाऊँ. और सेकेंड थिंग, इस मूवी के जो गाने थे इज़ वेरी फंटास्टिक. इसमें लव, रोमांस, एक्शन एंड धमाका. एंड मैं चाहता हूँ कि आप एक थिएटर में जाकर इस पर्सन देखें और हमें इस मूवी के जरिए कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच. ये मेरी फर्स्ट मूवी थी लव इन कॉलेज और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का कि मतलब कंफर्टेबल इतना था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी फर्स्ट मूवी है ही नहीं. मतलब कि इन्होंने मतलब हर चीज़ को लेके मतलब बड़े कैरेक्टर से या फिर हमारे जो कंपैरेटिवली मैं जिनसे छोटी हूँ या बड़ी हूँ
उनकी कैरेक्टर वाइज उनसे मतलब लेवल ही लग रहा था, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लीड नहीं है, पैरेलल लीड है या कुछ भी, मतलब प्रोड्यूसर इतने डाउन टू अर्थ, डायरेक्टर इतने डाउन टू अर्थ और फुल ऑन मस्ती ऑन सेट था, मतलब बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल था कि लगा ही नहीं कि कब फिल्म शुरू हुई तब ख़त्म हो गई। सर मैं मूवी के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि मूवी जो है वो एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है और आज के यूथ को एंकरेज करती है, आज के यूथ को भटकने से बचाती है। और सबसे बढ़िया इस बात इस मूवी की ये बात रही कि हमने एज अ फैमिली सब लोगों ने काम किया और मज़े में हम एक अच्छी चीज़ बना के ले आए और वो आज रिलीज़ हो रही है। उससे ज़्यादा बड़ी खुशी क्या है कि सारे को एक्टर्स अपने और इतने सपोर्टिव, प्लस हमारे जो विनोद सर हैं वो कमाल के थे, जो प्रोड्यूसर सर हैं, डायरेक्टर विशन सर की भी मैं तारीफ़ करूँगा कि बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हैं। एज यूजुअल जैसे मैं बोल चुका हूँ कि वो नीचे लेट जाते थे ज़मीन पर कैमरा चलाते वक्त, एज अ DOP एंड एज अ डायरेक्टर ये बहुत बड़े हौसले की बात है कि आप उस लेवल पे होके और फिर ज़मीन पे बिना चादर के एकदम नीचे लेट जाते थे। बिकॉज दिस इज़ द डेडिकेशन अबाउट वर्क, अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो फिर ऐसे प्रोडक्ट निकल के आते हैं। सो ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था और एक शब्द में कहूँ तो इट्स वाओ, वाओ, सीरियसली वाओ। हेलो, माय नेम इज काजल तिवारी और ये फिल्म करके मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि हमारी पहली मूवी है जो रिलीज़ हो रही है और पहली मूवी रिलीज़ होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मूवीज़ तो करते हैं बट रिलीज़ बहुत कम होती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हम सबके लिए, हम ऑलमोस्ट सब हम लोग नए थे इसमें, हमें बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ऊपर से हमारी जो टीम है एक फैमिली टीम है तो हम सब में मतलब काम करके बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत बड़ी बात है कि रिलीज़ हो रही है। और ये मेरी पहली मूवी है, जब मैं मुंबई आया था तब मुझे ये मूवी मिली और बहुत अच्छा लगा मुझे उसमें काम करके। प्रोड्यूसर सर बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है और सारे आर्टिस्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके और आगे भी मैं अच्छा काम करता रहूँगा और ये मूवी आप सब देखें जाकर बहुत अच्छी लगेगी, कॉलेज के ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर है, आप सब जाकर देखें आपको इन्जॉय होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा मूवी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। जैसा कि अंकित भाई ने और काजल जी ने बताया कि हर आर्टिस्ट की पहली इच्छा होती है कि वो काम करे और काम करे तो उसकी फिल्म स्क्रीन पे आए, हमने आप स्क्रीन पे देखे और इससे बड़ी खुशी की बात होती है कि वो रिलीज़ हो रही है और वो मुनासिब हो पाया है बहुत सारे लोगों की वजह से, हमारे प्रोड्यूसर की वजह से, डायरेक्टर की वजह से और ये फिल्म करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मेरी पहली फीचर फिल्म है, बेसिकली शायद सभी की पहली है, हम सबकी, हम सब बिगिनर हैं पर बहुत ही खुशी से इस काम को किए और बस ये उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी सुपर डुपर हिट हो और 18 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज हो रही है तो सब लोग जाएं और देखें, एंजॉय करें, बहुत मजा आएगा, स्टूडेंट बेस है, सब कुछ है इसमें, इस फिल्म में सब मसाला है, खासकर ये फिल्म हम जैसे युवाओं के लिए बनी है, हम जैसे लोगों के लिए बनी है क्योंकि ये ड्रग्स एडिक्ट के ऊपर है कि आप कैसे लोग हमारी जैसी जनरेशन मतलब एडिक्ट हो जाते हैं, इसकी बेस पे बनाया है, सबको देखना चाहिए और मैसेज देना चाहिए, सब कुछ है, सब जाइए देखने। सिचुएशन एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, फर्स्ट सॉन्ग है मेरा और विनोद कल डेब्यू है मेरा, तो उन्होंने भरोसा करके गाना गवाया मुझसे और हमारे एक अच्छा डैशिंग चेहरा वो अभिषेक के ऊपर है, नेगेटिव लीड के ऊपर, नेगेटिव लीड है जो उनके ऊपर सॉन्ग है, अच्छा क्लाइमेट है, जाते हैं डांस का पर कम्फर्ट लेवल बहुत अच्छा, बहुत हाई था उस वक्त जब रिकॉर्ड करे थे और इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि मैं पहली बार मैंने स्पर्श के साथ गाया, वो भी ऑन स्टेज नहीं गाए थे, देखिए रिकॉर्डिंग किया तो वापस बोलो बहुत आवाज़ आ रही है बोलना चाहूँगा स्पर्श के बारे में कि इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो एक्चुअली नेगेटिव लीड के ऊपर गाना है जो इन्होंने गाया है बेबी फाड़ू है तेरा, ये डांस
पर मैंने सुना था ना, तो मुझे मैंने सर को बोला था कि सर ये गाना मेरे ऊपर भी करवा था तो कितनी प्यारी आवाज़ है इनकी। तो बट हाँ, वो एक गाना इनका और जो कि काफ़ी अच्छा हिट नंबर है, मुझे लगता है वो काफ़ी हिट होगा। बस वही आई होप गाना हिट हो जाए, मूवी हिट हो जाए और सबके ब्लेसिंग साथ में रहे। और सपन रोमांटिक गाने गाते हुए सुना है, सो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो इतना अच्छे से निभाई गई। सो इज अ वेरी गुड सी मेरा मैं प्रेफर करता हूँ सॉफ्ट गाने रोमांटिक सॉन्ग, पर ये अंकल ने मुझे विनोद अंकल ने मुझे एक्सपेरिमेंट करवाया और जस्ट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये इनके खून में है आई थिंक, क्योंकि इनके जो पापा हैं इज अ वेरी बिग सिंगर नारायण राठौर, नारायण राठौर इज अ वेरी गुड सिंगर, इज अ वेरी बिग सिंगर। उनके ये बच्चे हैं, उनके एक और बच्चे हैं उत्सव, तो जो नहीं आया, बट बोथ आर वेरी गुड सिंगर एक्चुअली।